गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रही हूँ आप सब लोगों से। लंच वगैरह तैयार कर दिया है और हिमानी भी चले गई है, थोड़ा बहुत पराठा खाया था। हिमानी फिर लंच ऐसे कभी कभार लेके जाती है, कभी कभार नहीं लेके जाती। और यहाँ पर मेरा सब्जी वगैरह तैयार हो गया है और हस्बैंड जी को भी नाश्ता वगैरह दे दिया था। गोभी, बीन्स और आलू की सब्जी, मिक्स सब्जी बनाया था। और यहाँ पर मैं अपने लिए निकाल ले रही हूँ, थोड़ा सा दाल बचा था रात का तो मैंने उसको भी गर्म कर लिया है और रोटी कर रखी हूँ। खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। और डोली पर ये दोनों को भी ऐसे खिला दिया था थोड़ा बहुत, उन दोनों ने भी खा लिया है। और यहाँ पर मेरा साफ़ सफाई वगैरह हो गया है, इसमें मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। और सोफा कवर सब भी मैंने धो दिया था, ये वाला सोफा कवर बिछा दिया है। ये ऐसे बहुत साल पुराना है, फर्स्ट टाइम लिए थे ना ये वाला सोफा कवर, वही वाला है जब मम्मी जी थी तब का है। और ये रहा, कूलर वगैरह भी खाली कर रखे हैं मगर ये वाला अभी रूम से हटाए नहीं है। पानी वगैरह मैंने निकाल दिया है ऐसे मच्छर सब ना हो करके, नहीं मच्छर सब हो जाएंगे तो फिर और दिक्कत होगी करके मैंने खाली कर दिया है। और यहाँ मैंने थोड़ा बहुत पोंछ भी दिया है और पंखा वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है। सप्ताह भर में गंदा सा हो जाता है, डस्ट वगैरह लग जाता है, फिर गंदा अच्छा नहीं लगता और हवा भी साथ में सही नहीं देता, तो इस वजह से मैंने साफ़ कर दिया है। सारे रूम का पंखा मैंने साफ़ कर दिया है ऐसे। और यहाँ पर हम दिन में दाल, चावल, पापड़ ये सब कर ले रहे हैं। दाल थोड़ा सा साबुत था, ऐसे मिक्स दाल बनाया था, लाल मलका और चने दाल, तो ऐसे ही हम लोगों ने खा लिया था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा चढ़ा दिया था ऐसे 10-15 मिनट के लिए, अच्छे से तैयार हो गया था फिर दाल। और ये रहा, कुछ सामान सब हम मंगवा के रखे थे और ओपन भी कर दिया है, मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, शेयर करूँगी किसी दिन फुर्सत से। बालकनी भी पूरा भरा भरा सा लग रहा है, ये सब अगर हटा देंगे तो खाली खाली हो जाएगा। और जो घर के अंदर कूलर है उसको भी हम बाहर ला देंगे, रख देंगे है। और ये ना फेंकना है ऐसे, ये डब्बा सब वगैरह सब, लेकिन एक साथ इतना पकड़ना नहीं हो रहा है तो हमने अभी तक फेंका नहीं है। और कुछ इसमें स्पीकर वगैरह था और इतना अच्छा तरीके से पैकिंग हुआ था, उसको खोलने में मतलब बहुत टाइम लगा, कम से कम आधा घंटा करीब तो लगा ही, कैसे क्या खोलने कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बाद में पता चला इतने अच्छा तरीके से पैकिंग किए थे, अमेजोन से ऑनलाइन कराया था, ऐसे ऑर्डर कर दिए थे, तो सारा सामान आ रखा है और अनबॉक्सिंग भी हो रखा है। बस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, ऐसे बच्चे मान नहीं रहे थे इसमें क्या है, देखेंगे देखेंगे कर रहे थे। तो ये रहा, कुछ यही सब है, ऐसे रात में ले जाएंगे सोचते हैं, भूल जाते हैं रोज़। और कूड़े वाला आते तो हैं लेकिन एक साथ इतना बड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा करके मैं भी नहीं दे रही हूँ, किसी दिन दे देंगे या तो रात को हम पहुँचा देंगे। यही था कुछ। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन जो है, ऐसे आप सब लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसमें डस्ट वगैरह लगा हुआ है और जहाँ जहाँ वाइट पार्ट है ना वहाँ पर दाग भी लगा हुआ है। पहले तो कवर था इसका, वही जो प्लास्टिक वाला कवर, पॉलीथीन वाला, उससे करते थे लेकिन वो भी गंदा हो गया, तो अभी हम नहीं लगा रहे हैं। इसके ऊपर बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ, सोच रही थी एक बना लूँगी। ये इस साइड से दिख रहा है थोड़ा बहुत गंदा सा, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है ऐसे। और थोड़ा बहुत मैं ना साबुन से ही कर ले रही हूँ, हल्का सा साबुन लगा के जाग बना के इसको हल्के हाथों से, जल्दी से साफ़ हो जाता है ऐसे। ये रहा, मैं कर ले रही हूँ जल्दी से। और ये रहा फर्श, में आप सब देख सकते हैं जो
रंगोली होता है ना दिवाली में, जो स्टिकर होता है उसको चिपकाते हैं ना, वो तो आसानी से निकल गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी चिपचिपा सा है। कल ही मैंने निकाल दिया था जब मैं पोछा लगा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा करके। पूरा होता तो अच्छा लगता, कुछ है कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कल ही निकाल दिया झाड़ू लगाने के टाइम पर। और थोड़ा बहुत मैं इसमें साबुन लगा ले रही हूँ, और जूना से स्टील वाला जूना भी या तो कोई स्क्रबर वो भी ले सकते हैं, उससे मैं साफ़ कर ले रही हूँ। ये रहा नहीं हो रहा था, जो बर्तन मांजते हैं ना उससे नहीं हो रहा था, फिर स्टील वाला जूना से कर रही हूँ तो ये रहा हो रहा है साफ। थोड़ा सा मैंने साबुन लगाया है, और पिछली बार तो मतलब हट ही नहीं रहा था, इतना मेहनत लग गया था, हार्पिक वगैरह क्या क्या लगाया, रेड वाला ब्लू वाला, तब जाके साफ हो गया था। इस बार का ना इतना सही नहीं था, शायद सही नहीं बोलूँगी, मतलब सही आसानी से साफ हो गया, ऐसे ठीक था, नहीं तो बहुत मेहनत लगता था, पहले बहुत रगड़ना पड़ता था। और इस डर की वजह से ना हम लगाते भी नहीं थे कि चिपक जाता है फिर हटता नहीं है करके। और ये रहा मैंने दोबारा से फिर कर लिया है, पहले एक बार मैंने पोंछ लिया था अच्छे से, और लास्ट में और एक बार कर रही हूँ, थोड़ा सा फिर भी ये रहा यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा ऐसे अच्छे से साफ हो गया है। पैर सब लग रहा था ना तो यहाँ पर चिपक रहा था, और झाड़ू भी लगा रहे हैं तो डस्ट वगैरह यहाँ पर चिपक रहा था, इस वजह से भी अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा सा। ये रहा अच्छे से साफ कर दिया है मैंने। और यहाँ पर हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह कर लिया था, ऑनलाइन कर रहे हैं ना, मतलब होमवर्क सब भेज दिए थे सर ऑनलाइन, तो बहुत सारा लिखने का था, हिंदी इंग्लिश मैथ क्वेश्चन आंसर वगैरह था, और उसको लर्न करना था। पेपर भी अभी नहीं हो रहा है ऐसे, अभी होने वाला है इन लोगों का, और इन दोनों यहाँ आज और कल बच्चों का ऐसे स्कूल छुट्टी है, इन लोग को बुधवार से जाना है। अभी भी पानी का जो है मतलब जहाँ भर रखा है वहाँ पे अभी भी भर रखा है पानी वानी, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ऐसे। हस्बैंड जी के ऑफिस के यहाँ भी ऐसे ही हाल है, वहाँ पर भी पानी वानी भर रखा है ग्राउंड फ्लोर में, तो हस्बैंड जी भी ऐसे 2 दिन घर से ही काम कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ऐसे। कल देखते हैं, कल शायद जा भी सकते हैं। और डोली परी दोनों का ऑनलाइन होमवर्क सब भेज रहे हैं ऐसे, तो वो सब करा रही हूँ। और अभी तक मैं हिंदी कर लिए हैं, हिंदी और मैथ मैथ कर लिए हैं। एक बार हिंदी का कंप्लीट हो गया फिर थोड़ा देर फिर रेस्ट कराती हूँ, तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैं इंग्लिश नहीं मैथ ना, हाँ मैथ का कंप्लीट हो गया है, मैथ नहीं हिंदी, हिंदी का कराया था क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन ही भेज दिए थे कराना है करके, तो वो सब अभी करा दिया है। अभी फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले रहे हैं, फिर थोड़ा देर बाद हम इंग्लिश का करेंगे। थोड़ा बहुत लिखने का ज़्यादा रहता है ना, तो बीच बीच में रेस्ट लेना पड़ता है, ऐसे रेस्ट ले लेके कर रहे हैं। और होमवर्क सब भी थोड़ा बहुत ऐसे ही करते हैं, एक साथ लिखते लिखते भी हाथ सब थक जाता है ना, पकड़ते पकड़ते भी। और यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो दिया है जो भी गंदे थे, और थोड़ा बहुत पानी निकलने दूंगी फिर मैं स्टैंड में रख दूंगी। और अभी मैंने दाल चावल वगैरह तैयार कर लिया है ऐसे, थोड़ा सा मैंने बीन्स की सब्ज़ी बना दी आलू के साथ, रोटी के साथ खाने के लिए, और दिन का भी थोड़ा बहुत सब्जी था ऐसे, तो मैंने 2 जन के हिसाब से बनाया है। थोड़ा बहुत सब्जी है तो उसको भी हम रात में ले लेंगे गर्म करके। और थोड़ा बहुत मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, और ये राइस में दाल है, दाल अच्छे से गर्म कर ले रही हूँ, दिन में बना दिया था ऐसे दाल भी। और रात में मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है, कोई रोटी खाएंगे थोड़ा बहुत चावल लेंगे तो करके थोड़ा सा मैंने लगा दिया है आटा, जब खाएंगे तब बना के दे दूँगी गरम गरम। और यहाँ पर हस्बैंड जी को मैं दे रही हूँ, हस्बैंड जी लेके आओ खाना वाना बोल रहे थे, तो यहाँ रात में रोटी सब्जी और दूध दे रही हूँ, खाना नहीं खाएंगे बोल रहे थे, दिन में खाया था ना, तो ऐसे दिन में खाते हैं तो रात में लेते नहीं हैं, और रात में कभी कभार दिन में नहीं लेते हैं ना तो रात में ले लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों को भी मैं दे रही हूँ मेयोनीज रोटी खाना है बोल रहे थे, और साथ में एक मतलब चने दाल और लाल मलका मिक्स दे दिया है, एक एक रोटी खा लो और ये दाल पी लेना करके, दोनों को मैं दे रही हूँ। दिन में ऐसे इन दोनों दाल चावल लिए थे तो बोल रहे थे कि हम दोनों को रोटी खाना है, और मेरा भी खाना वाना हो गया था, उसके बाद मैंने गैस वगैरह मैंने पोंछ दिया था, रोटी बनाने के बाद थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह हो जाता है ना, वो सब मैंने पोंछ दिया है। हम लोग का सारा खाना पीना हो गया है ऐसे,
और यहाँ पर ये पता नहीं किस चीज़ का दाग लग गया है, ये मैं मिटाने की कोशिश कर रही थी, साबुन अबुन लगा के नहीं मिट रहा, पता नहीं मुझे भी पता नहीं चला क्या। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, कॉकरोच सबके लिए भी दवाई लाना है, ऐसे मैं लाना रोज भूल जाती हूँ, लाऊंगी तो फिर मैं रख दूंगी रात को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।